तो गाइज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एक्साइटमेंट दिखाया वो मेरा साइलेंसर का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देख के एग्जॉस्ट। तो आज है उसका फिटिंग एंड आज है साउंड चेक। ऑल दो मैं आज बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम में रेव नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पे अभी कार्बन नहीं जमा है। कुछ दिन बाद आप लोगों को मैं खुद और एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा दूंगा। स्टिल मैं आज इंस्टॉलेशन का वीडियो दिखाऊंगा कि R3 में ये एग्जॉस्ट कैसे मैं फिट करूंगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैं आज का वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो पहले तो मैं ये दो हेडर पाइप के साथ इसको वाई पाइप को लिंक कर दूंगा। गाइस देखो ये फुल सिस्टम का स्प्रिंग्स लगाने में कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है लिटरली, और सेफली करना पड़ रहा है, नहीं तो अगर इधर उधर उड़ गया तो चाप हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलो फाइनली एटलीस्ट हेडर पाइप सक्सेसफुली लग गया है। वाह, अब सिर्फ बेंड पाइप बचा हुआ है और लास्ट का एग्जॉस्ट। तो चलो दोनों हेडर्स लग गए हैं, बीच का बेंड पाइप लगा देंगे, उसके बाद पैनल खोलने का काम स्टार्ट होगा। तो गाइस ये लग गया मिड पाइप। अब ये मिड पाइप में भी एक स्प्रिंग डालने वाला है वहां पे, और ये हो गया O2 सेंसर नीचे। गाइस एग्जॉस्ट पाइप्स का जो नट्स है वो फिलहाल ओपन हो रहा है अभी, ये स्टॉक है। कितना अगली दिखता है देखो, पूरा लाल लाल पतला पतला ही। तो गाइस द फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग ये स्टॉक एग्जॉस्ट का जो मफलर है विल ओपन दैट। ठीक है, वहाँ एक क्लैंप रहता है और यहाँ से जो जहाँ पे ये क्या रहता है फुटरेस्ट रहता है वहाँ से यहाँ पे एक क्लैंप रहता है, ये मैंने ओपन कर लिया और वहाँ मेरा स्टॉक एग्जॉस्ट। अब ये कैटलेटिक कन्वर्टर का यहाँ पे एक नट रहता है, वेट लेट मी शो यू। हाँ देख रहे हो वहाँ पे एक नट रहता है जो मैंने खोल दिया। हाँ फुटरेस्ट का भी दोनों नट खोल लिया ताकि मेरे को थोड़ा हैंडलिंग में इजी हो, और इसका नट को मैंने लूज करके वहीं पे फंसा के रखा है फिलहाल ऑपोजिट साइड में। और फिलहाल भैया अभी क्या कर रहे हैं कि हेडर का जो नट्स है उसको थोड़ा लूजन अप कर रहे हैं। ये प्रोसेस में क्या है कि हेडर का जो नट्स है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बर्नट इंजन ऑयल लगा दिया ताकि वहां पे जो जंग ये हुआ है उसके लिए खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा, क्योंकि कभी तो खुला नहीं है, ऊपर से इतना दिन का रस्टिंग वगैरह जो है, फिर थोड़ा बहुत सैंड्स डर्ट वगैरह कभी जो रेसिड्यू रह जाता है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो इसीलिए लुब्रिकेशन के लिए थोड़ा सा ये दे दिया है, अब इट्स क्वाइट इजी देन बिफोर। ठीक है, इट्स ईजियर टू ओपन राइट नाउ। तो बाकी और एक हेडर का नट्स खोलेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। गाइस हेडर्स का नट्स यहाँ पे ओपन कर लिए हम लोग यहाँ पे, और फिलहाल अभी O2 सेंसर जो है O2 सेंसर को हम लोग खोल रहे हैं। चाप हो जब कुछ भी करने से पहले और एक चीज जो मैं भूल गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें, गाड़ी का O2 सेंसर खोल लेना। ठीक है, देन आप लोगों को हर चीज करने में थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, जैसे कि इधर मैंने O2 सेंसर खोल लिया, वो कैटलेटिक कन्वर्टर में ये लगा के एक क्या बोलते हैं बोल्ट लगे ना फांसे पर है, उसको थोड़ा फंसा के मैंने O2 सेंसर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया पाइप से। अब मैं इसको हेडर से पूरा डिस्कनेक्ट कर दूंगा एग्जॉस्ट को। यहाँ पे O2 सेंसर कर दिया हम लोगों ने डिस्कनेक्ट फाइनली। अब देखो ये रहा O2 सेंसर, कैमरे को कुछ सेंसर वगैरह नहीं दिख रहा। अच्छा नाइस, कर दियो। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जॉस्ट का फाइनल स्टेप, टोटल सब नट्स खुल चुका है, अब उसको जस्ट कैटलेटिक कन्वर्टर को भैया वहां से पकड़ेंगे और मैं इसको हल्का सा हेडर को यहाँ से टान के पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम डिस्कनेक्ट कर दूंगा। एंड फाइनली द बाइक विल बी विदाउट एग्जॉस्ट, उसके बाद हम लोग नया वाला एग्जॉस्ट का फिटिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। द बेस्ट थिंग इज गाइज, एक्चुअली मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा खुद लगाने का पहले, बट मेरे को एक भी प्रॉपर वीडियो नहीं मिला। एक ही बंदे का वीडियो मिला था जो कि तमिल में था, तो मेरे को उतना समझ में नहीं आया। एंड एनीवेज मतलब वो साउथ का लैंग्वेज था तो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो उसने सिस्टम नहीं दिखाया। तो मैंने देखा कि ऑल दो यहाँ पे इंडिया में फिलहाल किसी ने हिंदी में कोई वीडियो नहीं बनाया एकदम प्रॉपर इंस्टॉलेशन का, एंड बहुत जन के पास R3 है, बहुत जन चाहते हैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाना। तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबका जितना हेल्प कर सकूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या खोलना है, कौन कौन सा नट पहले पहले डिस्कनेक्ट करना है, उस हिसाब से, ताकि आप लोगों को मैं एक छोटा हेल्प कर पाऊँ। एंड द मैन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज मिस्टर ईशान गुप्ता, हमारे एके देवुदा हम लोग का। मेरा गाड़ी का मैक्सिमम काम वही करते हैं, तो अभी थोड़ा रेस्टिंग पीरियड चल रहा है ना, बिकॉज अब मजा आने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी वो एग्जॉस्ट आधा कनेक्ट करके रखे हम लोगों ने वो फुल सिस्टम जो है। उसके बाद मैं आपको दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कितना कितना है। अच्छा और एक बात,
वो स्टॉक एग्जॉस्ट का जो मफलर है उसका अकेला का वेट 3 किलो है, और मेरा फुल सिस्टम का वेट है 3.5 किलो एट मैक्स, 3.3 किलो के आसपास है। सो सोच रहे हो वेट रिडक्शन से मेरा कितना पावर बढ़ेगा। देखो हाउ दिस एग्जॉस्ट लुक्स सो अगली, ठीक है, एंड दिस रिड्यूसेस ऑल द साउंड ऑफ दिस बाइक। सो फाइनली आई एम गोइंग टू रिमूव दिस मदर फॉर अ फ्यू डेज, वो अभी कुछ दिन के लिए अनाथ रहेगा मेरा बिस्तर का नीचे। और देखो एंड दिस सेक्सी लुकिंग स्टेनलेस स्टील पाइप, आ हा हा कैसा लग रहा है। वेट उसका वेट कितना है? 2 किलो, 1.8 समथिंग, 1.3 किलो, 1300 ग्राम। तो चलो इसका ये नट को यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइस फाइनली दिस इज गोइंग टू बी इक्विप्ड माय न्यू फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ओ हो, ये सिल्वर पाइप्स देखने के लिए मैं तरस गया था कि तो मतलब जब से मैंने गाड़ी लिया था तब से फुल सिस्टम के लिए कूद रहा था, और फाइनली आज फुल सिस्टम मेरे गाड़ी में लग रहा है। देखो हेडर्स के अंदर क्या है वो नहीं दिख रहा, कोई है क्या अंदर? गाइस और एक बात, इस बंदे ने रिकॉर्ड कर दिया बिना पैनल खोले और बिना कोई फालतू रिक्स लिए, सुंदर से एकदम एग्जॉस्ट लगा दिया। देखो कोई ना दाहिना तरफ का और ना ही बाया तरफ का, लाइक कोई भी पैनल ओपन नहीं है, ऐसे में ही बिंदास चेंज कर दिया। वाओ, चलो अब तुम लोगों को साउंड सुनने मिलेगा। सो गाइस फाइनली ये हेडर पाइप इक्विप हो चुके हैं बाइक में, और ये लास्ट अच्छे से एयर टाइट चेक किया जा रहा है पूरा अच्छे से। ये एग्जॉस्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक कुछ करके एक एक्सटेंशन मिलता है, उसको कुछ करके ये करना पड़ेगा। तो मैं एक बार टेस्टिंग कर रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे साउंड करेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे एक बार एग्जॉस्ट खोल देंगे, उसके बाद एक बार साउंड चेक करेंगे। तो चलो गाइस टाइम फॉर द ट्रूथ। आप एक काम करो, यहाँ से एक बार इसको पकड़ के रखो, देखते हैं तो साउंडिंग अच्छा आएगा यहाँ से, इस एंगल से पूरा। मैं जाके ऑन करता हूँ भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। खतरनाक खतरनाक साउंड, थोड़ा सा टेंशन होगा भाई, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। एग्जॉस्ट का कनेक्टर के लिए अभी थोड़ा जुगाड़बाजी कर रहे हैं इधर से, बिकॉज क्या है कि इस चीज को हम लोग ऐसे लिंक करने का कोशिश करेंगे विदाउट कोई काटकुट किए हुए, लाइक रियल प्रोडक्ट में कोई कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ बीच में बस एक पत्ती आएगा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, एक स्क्रू यहाँ से जाएगा जो कि पत्ती का अंदर मतलब पत्ती को इंटरसेक्ट करके जाएगा, एंड एक इधर ताकि इसको लाइक होल्ड करके रख पाए पत्ती। सो देखो बहुत दिन तुम लोगों ने अच्छे से रिक्शा को देखा नहीं, कैसा लग रहा है बताओ कमेंट सेक्शन में, और न्यू एग्जॉस्ट सूट कर रहा है कि नहीं बाइक पे लुक्स वाइज वो भी बताओ, और बेंट पाइप देख लो कितना मस्त लग रहा। सो गाइज अब आप लोग एक छोटा सा साउंड चेक देखने वाले हो, ज्यादा जोर से नहीं खींचे मतलब खींचना है अभी, थोड़ा कार्बन जमने देंगे उसके बाद फ्लाई वाइज वगैरह होगा। अभी एक हल्का सा देख लो, सब 6000 RPM,
थोड़ी डर गई। आज तक गूंज छे पूरा एकदम देखें तो इधर को बाप बाप रे विराट आवाज तो इखान तक डूबे मन है वो गाइस आप लोग हेडफोन लगाना था कि आप लोगों को एक्चुअल में पता चले। भाई मैं गाड़ी नहीं देख पा रहा था लेकिन 1 किलोमीटर दूर से साउंड आ रहा था। तुम्हारे जावर पर हेवी लग जाए सूट कुछ है इस कुछ ऐसे। ये हम लोगों का एग्जॉस्ट का इंस्टॉलेशन अच्छे से कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली और आप लोग देखो कैसा लुक्स आ रहा है गाड़ी का पूरा चारों तरफ से कितना मतलब मस्त ये आ रहा है। अच्छा एक बार देख लेता हूँ ये वाइजर टच नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। नहीं नहीं गैप है ओके चलो एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा तो गाइज अगर आप लोगों को इस वीडियो से एक भी छोटा हेल्प मिल पाया या फिर आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको साउंड एंड एग्जॉस्ट का लुक वगैरह बेंड पाइप वगैरह कैसा लगा। एंड और एक बात ये बेंड पाइप मैंने मंगवाया था बाइकर्स नेशन से रामकृष्ण भाई से ठीक है तो उनसे मैंने एग्जॉस्ट मंगाया था। तो इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ बाइक एक्सेसरीज लाइक R15 R3 वगैरह का एग्जॉस्ट या फिर व्हाटएवर आपका बेंड पाइप हो गया एयर फिल्टर हो गया यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। जस्ट गिव हिज कॉन्टेक्ट नंबर हियर मेरा नाम लेना हो सकता है होगा मतलब होने का चांस कम है बिकॉज हिज रेट्स आर रीजनेबल। हो सकता है छोटा मोटा कुछ डिस्काउंट कर दे ठीक है या फिर शिपिंग चार्ज फ्री कर दे ठीक है ऐसा सीन है। तो थैंक यू गाइस और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मार देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्यों पसंद नहीं आया तो मैं अगले वीडियो से ट्राई करूंगा उसको रेक्टिफाई करने का। सो थैंक यू और इसके साथ बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है बहुत जल्द होते रहेगा टाटा।